सो गाइज, माय नेम इज आशीष एंड यू आर वॉचिंग रसल स्ट्रोक। हम सभी लोगों को बेहतरीन तरीका से पता होगा कि पास्ट में ब्रॉक लेस्नर एंड WWE के बीच में क्या हो चुका है, लेकिन गाइज इसके बावजूद भी WWE पहले अपने मेन रोस्टर के एक पेज से ब्रॉक लेस्नर को हटाती है, उसके बाद फिर से ऐड कर चुकी है। तो गाइज, क्या बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेस्नर का WWE में रिटर्न होने वाला है? तो इसी चीज पर डिस्कस करेंगे। चलिए सारी वीडियो को शुरू करते हैं। क्या कर रहा हूँ भाई, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जाओ जाके सब्सक्राइब कर लो। अब देखो गाइज, समर स्लैम 2023 में लास्ट टाइम हम लोग WWE के टेलीविजन पे बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेस्नर को देखते हैं, जब ब्रॉक लेस्नर वर्सेस कोडी रोड्स का मैच होता है। और गाइस उसके बाद आपको पता होगा कि ब्रॉक लेस्नर पे कितने खतरनाक वाले एलिगेशन लगते हैं। सेम एलिगेशन जो विंस मैकमैन पे लगे थे, वही एलिगेशन ब्रॉक लेस्नर पे लगते हैं। उसके बाद ब्रॉक लेस्नर के पे आप ये बोल सकते हो कि वो अरेस्ट भी होते हैं, उन पे कोर्ट कचहरी वाला मामला आ जाता है। उसके बाद वो WWE क्या करते हैं कि अपने हर जगह से, वेबसाइट से, हर जगह से ब्रॉक लेस्नर को मेंशन करना बंद कर देती है, अपने एक्टिव रोस्टर से भी ब्रॉक लेस्नर को हटा देती है। लेकिन एक बार फिर से ब्रॉक लेस्नर को WWE अपने एक्टिव रोस्टर के पार्ट में ऐड कर चुकी है, जैसा कि गाइस अभी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। इट मींस डैट कि गाइस ब्रॉक लेस्नर अभी भी WWE के ही सुपरस्टार है, आज नहीं तो कल उनका WWE में रिटर्न होगा, क्योंकि CM Punk जैसे सुपरस्टार जिनका पास्ट में इतना खतरनाक वाला पूरे कंपनी के साथ ही मतलब फाइट देखने को मिल रहा था, कोर्ट कचहरी वाला मतलब मामला था, उसके बावजूद भी वो WWE में आ सकते हैं, तो बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेस्नर क्यों नहीं आएंगे? तो ब्रॉक लेस्नर को मेन रोस्टर का जो पेज है, जो उनके वेबसाइट पे पेज है, उस पे ऐड कर दिया गया है। तो इससे WWE हमें ये हिंट दे रही है कि ब्रॉक लेस्नर का जल्द ही रिटर्न होने वाला है। मे बी गाइस हो सकता है कि आज नहीं तो कल, या तो ये साल ही हमें ब्रॉक लेस्नर का रिटर्न देखने को मिल जाएगा। और गाइस अगर आप रेसलिंग कम्युनिटी को मतलब आप फॉलो कर रहे होंगे, तो बाकी मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ब्रॉक लेस्नर के साथ पास्ट में क्या क्या कांड हुआ है। तो अभी के लिए WWE अपने वेबसाइट पे मेन रोस्टर के लिस्ट में बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेस्नर को ऐड कर चुकी है। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है, आप मुझे जाके बता सकते हो। तो होप करता हूँ कि वीडियो आपको हेल्प करेगी। बाय बाय फ्रेंड्स।